सो फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन फर्स्ट सर्विस जो है वो अपना रॉयल एनफील्ड का होने वाला है। और पीछे में ये देख सकते हैं गाड़ी, ये बेसिकली जो है वो सिद्धि विनायक से आया है। कहाँ से आए? सिद्धि विनायक। तो रॉयल एनफील्ड सिद्धि विनायक से भैया आए हैं, आज ये सर्विस करने वाले हैं। क्या? मेरा नाम वकील चड्डा जी हूं। वकील चड्डा जी, वाह वाह। वकील चड्डा जी, आपका नाम हम पहले भी सुने हैं और काफ़ी फेमस है मतलब सिद्धि विनायक में आप। तो फर्स्ट बार आपका एक्सपीरियंस लेने वाले हैं और फर्स्ट बार सर्विस जो है ये फर्स्ट सर्विस होने वाला है। तो ये सर है, इसका नाम है इलेक्ट्रा ट्रायल। इलेक्ट्रा ट्रायल इसका नाम है। अच्छा, इलेक्ट्रा ट्रायल। तो ये बेसिकली सर्विस के लिए ये गाड़ी यूज़ करते हैं पूरा पैन ईयर्स उन ईयर्स के साथ। तो देख सकते हैं काफ़ी मतलब ट्रैवलिंग पर्पज़ से अगर इस टाइप का बाइक बनाया जाए तो बहुत सही बनेगा। और इसका साइलेंसर जो है वो भी ऊपर के साइड में है, तो बहुत परफेक्ट टाइप का रॉयल इनफील्ड बना हुआ है। और ये अपना रॉयल इनफील्ड है, इसका होने वाला है सर्विस। और ये रहा अपना पुरानी धन्नो एवेंजर। तो एवेंजर का तो सर्विस ऑलरेडी हो चुका है, तो अब आज बारी है इसका सर्विस का, तो इसका सर्विस कराते हैं। सो फाइनली जो है वो सर्विस का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इनका पूरा टूल किट जो सेटअप है वो ऑन हो गया है और अब जो है वो सर्विस का टाइम है। तो सर्विस से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ पेपर वर्क है। क्या है पेपर वर्क? ये सर डिटेल इसको भेजना होता है ऑफिस में। अच्छा, ताकि इस हिसाब से जो कि जो वहाँ जॉब कार्ड खुलेगा, जॉब कार्ड खुले होता है। अच्छा, और किलोमीटर का जो फोटो लिया है। हाँ। तो जॉब कार्ड खोलने के समय किलोमीटर का भी जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए किलोमीटर के फोटो लेना होता है। तो अभी मेरा बाइक चला है 732.7 किलोमीटर। ऑर्डर है, होम सर्विस होता है, उसको दिखना चाहिए दोनों गाड़ी है। तो वो आपका बाइक है, ये मेरा बाइक है, इसलिए कंपनी को। चलिए, ये पेपर में क्या वर्क करना है? ये पेपर का एक फोटो लेकर भेजना है ऑफिस में। ऑफिस में जी, ठीक है। चलिए, तो इसका एक फोटो क्लिक कर देते हैं। हाँ, फुली सिंथेटिक। देखे कौन सा इंजन वाली यूज करते हैं? 5000 किलोमीटर कंपनी बोलता है। तो ये यूज करते हैं 15W50, मतलब गर्मी के टाइम में अच्छा खासा है। गर्मी के लिए 15W50 ही यूज करना चाहिए। अभी रिसेंट में अपना एवेंजर का भी सर्विस कराए थे तो उसमें 15W50 ही डाले थे। तो ये जो सम गार्ड लगाए थे इसको बस दो नट ओपन करना है, और सम गार्ड जैसे ओपन हो जाएगा उसके बाद इंजन ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाएगा। सम गार्ड लगाने के पीछे रीज़न ये था कि नीचे का जो पार्ट्स है ये एक तो साफ़ रहेगा, और दूसरा चीज़ क्या है, किसी भी तरह का ऑफ रोडिंग करते हैं तो उसमें काफ़ी बचाव करता है सम गार्ड। इस वजह से अभी जो वहाँ निकाले हैं वो ये क्या है? ये सर ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर है। और नीचे से जो आया था, नीचे वाला जो है ना, हाँ, स्टीनर बोलते हैं इसको। क्या है? स्टीनर फिल्टर इसको बोला। स्टीनर फिल्टर जी। अच्छा, इसका काम है जो इंजन का जो है ना कचरा उचरा ना लगे, ताकि एक जगह जमा रहे और ऊपर कचरा ना आए। ना स्टीनर, ये भी समझिए कि फिल्टर फिल्टर्ड ही है, मतलब दो दो फिल्टर यूज किया गया है। तो ये तो सर्विस में चेंज होगा दोनों फिल्टर? नहीं नहीं, ये आपका है जो बता रहे हैं हम, ये ऑयल फिल्टर है, ये हमेशा चेंज होगा। ये हमेशा चेंज होगा, ये हमेशा चेंज होगा, कोई भी गाड़ी का ऑयल फिल्टर हमेशा चेंज होगा। और एयर फिल्टर अगर साफ रहेगा तो ठीक है, अगर ज्यादा गंदा रहेगा तो हम चेंज कर चेंज तो इसको चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें फिलहाल अभी कुछ ऐसा दिक्कत है नहीं, है नहीं। इसको चेंज हम लोग नहीं करेंगे। तब तक ड्रेन होगा, तब तक हम लोग आ गए हैं, तब तक हम लोग एयर फिल्टर पे आ गए हैं। ये है एयर फिल्टर। कोई इशू कोई दस्त तो नहीं है। सो अब एयर फिल्टर के बाद किसका बारी आएगा? अब इसके बाद सर उसका ड्रेन नट टाइट करेंगे, उसको साफ। अच्छा, इंजन ऑयल पूरा ड्रेन हो गया होगा? हाँ, इंजन ऑयल डालेंगे, उसके बाद हम अगला प्रोसेस देखेंगे चेन का। एयर फिल्टर के बाद अब इंजन ऑयल जो है वो पूरा ड्रेन हो चुका है, और अब जो है वो इंजन ऑयल का जो नट था उसको वापस से फिर से पैक किया जा रहा है, टाइट किया जा रहा है। और इसके बाद जो है इंजन ऑयल ऊपर से फिर रिफिल कर दिया जाएगा। फिर बारी आएगा चेन का। तो अभी हम लोग टू बी कंटिन्यू रहते हैं और दिखाते हैं कि पूरे सर्विस में क्या क्या होता है, कैसे करते हैं, और साथ ही साथ क्या बिल आता है वो भी देखने वाला बात है। टोटल बिल क्या आता है, आप लोग को रॉयल इनफील्ड क्या सर्विस दे रही है, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या चार्जेबल है, हर एक डिटेल जो है इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो पे बने रहना है। और अभी तक अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को बिना लाइक किए नहीं जाइएगा, टू बी कंटिन्यू रहिए वीडियो के एंड तक में, हर एक डिटेल से जो है वो रूबरू कराएंगे आपको। दो लीटर का जगह 2 लीटर से कम ही डालेंगे, 1.7 डालेंगे। चलिए, आप खोल दिया है, आ गया। ये जो इंजन ऑयल बचा है ये आपका हुआ, ये आप रख लीजिएगा। अच्छा, करीब 250 ग्राम से ज़्यादा ही है। ठीक है, 2 लीटर के आसपास का रहता है ये डब्बा, है ना? ये 2.3 रहता है। और इसको हम लोग फ्यूचर में टॉपअप में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? हाँ।
कभी अगर जो जाता है उसके बाद हम लोग चेन पे आएंगे और चेन के बाद फिर मीटर कंसोल पे आएंगे। जो भी मीटर का सेटिंग है उसको ऑफ़ किया जाएगा, सर्विस जो दिखा रहा है उसको ऑफ़ किया जाएगा, क्लीनिंग होता है, कैसे एडजस्टमेंट होता है वो भी दिखाने वाले हैं। और इनके पास पूरा टूल किट है, मतलब भाई साहब इंजन से लेके बाइक का हर एक काम करने के लिए कैपेबल है। और चड्डा साहब बहुत फेमस भी है। ये रहा ऑयल फिल्टर, और ये ऑयल फिल्टर हर बार चेंज होगा, मतलब जितने टाइम ये ओपन होगा उतने बार ये चेंज होगा, जितने बार इंजन ऑयल चेंज होगा। अब टाइम आ गया चेन को देखने का, तो हम लोग देख रहे हैं कि चेन काफ़ी लूज है, क्योंकि 700 किलोमीटर का टाइट करने का बहुत आसान तरीका है इसका। वाह, तो हम लोग इस वीडियो में चेन टाइट करना भी खुद से सीख लेते हैं कि कैसे चेन को टाइट करते हैं। 24 नंबर रिंच उस साइड से लगेगा ना। हाँ, नॉर्मल लगाए ताकि ये घूमे नहीं। हाँ, तो सबसे पहले तो जो एक्सेल का नट है उसको ढीला कर देंगे, और उसके बाद 6 नंबर लगेगा। इसको देखिएगा, अपने आप ही टाइट हो जाएगा। आसान तरीका है। वाह, ये मूव कर रहा है। ये आप बहुत अच्छा बात बोले कि अगर रिबॉन्ड है तो ही ये प्रोसेस से आप चेन टाइट कर सकते हैं। अगर अदरवाइज कोई क्लासिक है या इलेक्ट्रा है तो उसमें नॉर्मल है। जैसे है वो एलन की टाइट करने वाला यहीं से हुआ है चेन टाइट। इस साइड में भी है और ये भी है इस साइड में। ये वाला 6 नंबर एलन की लगेगा, ये देख रहे हैं 6 नंबर एलन की भी है। और यहाँ इसको ऐसे लगा, पहले ढीला करेंगे उसके बाद टाइट करेंगे। अगर आपको लगेगा ज्यादा टाइट हो गया हाँ इसको ढीला कर देना, ढीला भी ढीला हो जाएगा। मेंटेन करें, कोई भी रॉयल एनफील्ड आदमी है चैन को खास करके मेंटेन करें, नहीं तो और कई कितना आदमी करता है ना सर के ऑयल मार देता है, ऑयल मार देता है। पहले वाला चेन अब नहीं है, नहीं है। अब हर एक चेन में यहाँ ओरिंग है, ओरिंग अगर ऑयल मारिएगा डस्ट सटेगा तो ओरिंग कर जाएगा। इसका चैन स्प्रे जरूर यूज करें कोई भी कस्टमर। बिल्कुल, नाम है कि अगर रॉयल एनफील्ड आप यूज़ करें या कोई भी बाइक यूज़ करें तो आज के जो नया टेक्नोलॉजी का जो भी बाइक है उसमें चेन स्प्रे ज़रूर यूज़ करें। तो ये भैया लेके आए हैं चेन स्प्रे। कितने का आता है चेन मेंटेनेंस किट? 555 का है। अच्छा, 555 रुपये के आसपास का है ना। हाँ, 555 रुपये के आसपास का। और ये माइक्रो फाइबर कितने का आता है? और ये है सर 125 रुपये। कैसे लुब्रिकेंट करना है। वाह, तो अभी सबसे आ गया है टाइम चेन का, और ये रहा पूरा सेट। इसमें दो चेन क्लीनर है और एक चेन ल्यूब करने वाला है। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि चेन को ल्यूब कैसे करना है, कैसे क्लीन करना है। भैया आएंगे इधर, आइए। और ये बारीकी बहुत छोटा चीज़ है। हाँ, ये चेन क्लीनर है। मतलब एक राउंड पूरा अच्छे से लगा देना है चेन ल्यूब। हाँ, ज़्यादा मार देता है ना तो उसका रिम बहुत गंदा हो जाता है। बिल्कुल, ये लुब्रिकेंट है, लुब्रिकेंट है चेन ल्यूब करने का, है ना। ये स्विच को हमको दबाना है, ट्रिपोमीटर को, है ना। इसको हम बढ़ाते जाएंगे। अब 1 है 2 है। हाँ, यहाँ पे आके हमको कुछ सेकंड के लिए यहाँ दाब देना है। चाबी ऑफ कर दिए, कुछ सेकंड के लिए इसको ऑफ किया, इसको भी दाब रखे हैं कुछ सेकंड के लिए। हाँ, कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 10-20 सेकंड बीस सेकंड के लिए दाब रखे हैं, ठीक है। उसके बाद जब चाबी ऑन करेंगे तो वहाँ का सेटिंग उतना ही हमको दाबना पड़ेगा। जब चाबी ऑन करेंगे तैयो भी इसको दाब कर रखने पड़ेगा जितना अभी दाब रखे हैं। अच्छा, उतना ही सेकंड फिर से हम इसको दाबेंगे। हाँ, ये बिलिंग बंद हो जाएगा। जब तक वो बंद नहीं हुआ तब तक उसको प्रेस करके रखिएगा। बंद हो गया। हाँ, तो अब क्या है कि वो सर्विस का जो नोटिफिकेशन था वो सर्विस हुआ, उसके बाद वो बंद हो गया। चेकअप कब हो गया है उसके बाद हम टेस्ट ड्राइव करेंगे, इसका टेस्ट राइड करेंगे, उसके बाद देखेंगे आपको क्या है प्रॉब्लम, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, टेस्ट राइड कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम दिखेगा उसको फिर सॉर्ट आउट कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम नहीं दिखा तो मेरा सर्विस जो है वो डन हो गया है। यह है सर्विस कंप्लीट, और अब जो है समय आ गया है टेस्ट राइड का। तो अभी चलने, अभी चड्डा भैया जा रहे हैं टेस्ट राइड करने। टेस्ट राइड करते हैं और फिर देखते हैं कि कोई वकील चड्डा जी तो कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम इनको फेस करने को मिलता है या नहीं मिलता है। अभी टेस्ट राइड करके देखते हैं, और जैसे सब कुछ ऑल ओके रहा तो मेरा सर्विस जो है वो कंप्लीट हो गया आ गया है। अभी हम लोग देखते हैं कि बाइक में कोई इशू कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
तो कोई दिक्कत चलाने में? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर, एक बार आप चेक कर लेते हो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप चला लिए ना? चला लिए, कोई इशू नहीं ना। हाँ, क्या है कि हम तो इससे पहले भी चला रहे थे, हमको कोई इशू नहीं था, क्लच ब्रेकिंग सब कुछ अच्छा था, खाली चेन जो ढीला था वो टाइट हो ही गया। तो अभी जी का जो टोटल बिल आया वो 1740 रुपये आया, और ये रहा सामने बिल। 950 रुपये का इंजन ऑयल है, 90 रुपये का ऑयल फिल्टर है, 20 रुपये का वो लुब्रिकेंट जो हम लोग ग्रीस यूज़ करते हैं वो है, 555 रुपये का इंजन चेन क्लीनर और चेन स्प्रे है, और 125 रुपये का माइक्रोफाइबर कपड़ा क्लॉथ है। तो टोटल बिल आ गया 1740 रुपये, ये फर्स्ट सर्विस का जो बिल है। तो बेसिकली आज का सर्विस जो है वो डन हो गया है। ये रहा अपना नंबर प्लेट, नंबर प्लेट जो है वो बहुत जल्दी अपने बाइक में लगा हुआ दिखेगा, नंबर आ गया है। वैसे आपको बता दें कि चड्डा जी का जो सर्विस है और जो सर्विस करने का जो तरीका है, जो परफॉर्म करके गए हैं, वो काफ़ी लाजवाब है, मतलब बहुत ज़बरदस्त। करीब एक घंटा पहले आप आए हैं ना? एक घंटे में जो है वो सर्विस डन कर दिए हैं और प्रॉपर नीट एंड क्लीन। आप एक चीज़ हमको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमको साफ़ सफाई थोड़ा ज़्यादा पसंद है। यहाँ पूरा सर्विस हुआ है, बट कहीं भी फर्श जो है वो आपको गंदा नहीं दिख रहा होगा, कहीं भी ऑयल गिरा हुआ या किसी तरह का ग्रीस ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। ये काफ़ी बेस्ट पार्ट लगा, और चड्डा जी के लिए थैंक यू सो मच। आप आए, इतना अच्छा सर्विस दिए और बहुत अच्छा सर्विस दिए, इवन आप देख सकते हैं फुल्ली सेटिस्फाइड। होम सर्विस रॉयल इनफील्ड का फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही रॉयल इनफील्ड बाइक लिए हैं और इसका सर्विस यूज़ कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये जो छोटा सा वीडियो था, ये आज का एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के साथ शेयर किए हैं। आई होप शो कि आज का ये वाला व्लॉग जो है वो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चड्डा जी क्या दे रहे हैं आप? ये हम आपको वॉशिंग कूपन दे रहे हैं, वॉशिंग कूपन मिल रहा है, 3 महीने का टाइम रहता है। आज का हम डेट डाल देंगे आपको, और 3 महीने के अंदर जाइए कभी सिद्धिविनायक रॉयल इनफील्ड में जाके हम वॉशिंग करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वो तो एक वॉशिंग कूपन भी मिल रहा है। आज कितना डेट है सर?